ओके, तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो मी 11X में हाइपर ओएस का वेट कर रहे हैं, इंडिया में वेट कर रहे हैं? तो फाइनली आज मी 11X में इंडिया में हाइपर ओएस का अपडेट 1.0.1.0 के अपडेट देखने को मिल जाता है। और इस अपडेट में क्या फीचर्स देखने को मिला है और इसे कैसे हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, और जिन लोगों को ये अपडेट देखने को नहीं मिला है, सबकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में देता रहूँगा। तो आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, भी वीडियो को बिना स्किप के बिना देखना है। और वीडियो कैसे पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ यहाँ पर और मैं आपको दिखा देता हूँ मी 11X में, तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर 1.0.1.0 के अपडेट मिलता है। आई एन इंडिकेट करता है कि हमारा इंडिया वाला बिल्ड है और ये एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है, यानी हमें जो अपडेट मिला है वो एंड्रॉयड 13 की अपडेट देखने को मिला है, प्रोस की अपडेट, तो एंड्रॉयड 14 की अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिला है वो मार्च की देखने को मिला है, तो ओल्ड अपडेट हमें देखने को मिला है। फीचर्स वगैरह दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके होम स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करेंगे तो आप लोग को जो iOS में स्पॉटलाइट की फीचर्स मिलता है वो नोटिफिकेशन सर्च के नाम से हाइपरOS में देखने को मिलता है, जिसे आप लोग अपने लॉन्चर की सेटिंग में जाने के बाद स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलता है, सर्च और नोटिफिकेशन शेयर कंट्रोल सेंटर। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो iOS में स्पॉटलाइट मिलता है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो iOS वाले फ़ोन में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, पर इसमें आप लोगों को सब कुछ सर्च नहीं होता है। कॉन्टैक्ट वगैरह का आप सर्च नहीं कर सकते हैं, पर ऐप वगैरह को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जो लोग स्वाइप डाउन करके एप्लीकेशन वगैरह को सर्च करना चाहते हैं तो वो लोग इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को ये ऑप्शन पसंद नहीं है तो आप लोग नोटिफिकेशन सेंटर वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मेन फीचर हमें लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है, लॉन्ग टाइप करके हमें जो कस्टमाइजेशन मिलता है वो हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने फ़ोन में यहाँ पर सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। क्लासिक, रोम्बस और मैगजीन वाली इफेक्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पर सेट करेंगे, वॉलपेपर को सेट करेंगे, AOD को ऑन करेंगे, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, फ़ोन को लॉक अनलॉक करेंगे तो आपको AOD देखने को मिल जाता है। तो जो बेसिक फीचर्स है हमें हाइपरOS में देखने को मिलता है वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि उनके फ़ोन में डायलर जो मिलता है क्या वो मी डायलर की सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर हाइपरOS की डायलर की सपोर्ट मिलेगा, जिसमें हमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सपोर्ट मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट के बाद भी और फ्यूचर में कभी भी अपडेट मिलेगा जिन डिवाइसेस में गूगल डायलर पहले से इनबिल्ट है उसमें आप लोगों को गूगल डायलर ही देखने को मिलेगा। हाँ, जिन लोगों को रिकॉर्डिंग पसंद है वो अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद, गूगल डायलर की सेटिंग में जाने के बाद डिस्क्लेमर को ऑफ कर सकते हैं, फिर जो आंटी चिल्ला के बोलती है कि दिस कॉल इज बीन रिकॉर्डिंग, उसे आप लोग बंद करके एक बीप या एक डिस्क्लेमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उससे भी सामने वाले को मालूम चल जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक शॉर्ट ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आप लोग गूगल डायलर को यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप लोग अपने फ़ोन में डायलर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मी डायलर की या हाइपरOS डायलर को, तो आप लोग अपने फ़ोन को रूट करके उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ। और आपको पता ही है कि हाइपरOS के डायलर में हमें जो कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, थीम अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर काम करता हुआ दिख जाता है। तो अगर आप लोग भी अपने फ़ोन में सारे मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मी डायलर, मी मैसेज, अगर थीम एप्लीकेशन में जाएंगे इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर लॉन्चर की सेटिंग में जाते हैं जो बाउंसिंग इफेक्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, आप लोग इस तरह की इफेक्ट अपने फ़ोन में एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें आप लोग को iOS वाले इस मेन्यू को भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसे आप लोग रूट करके एनेबल कर सकते हैं। तो रूट कैसे करते हैं और ये फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और मैं आप लोगों से मिलूंगा उसी वीडियो में। जैसे ही गाइज मैंने अपने Xiaomi Mi 11X को अपडेट किया हाइपरOS के अपडेट में 1.0.1.0 के अपडेट में इंडिया में दोस्तों, तो मुझे इसमें ढेर सारे ब्लॉटवेयर्स देखने को मिले हैं। हालांकि वो ब्लॉटवेयर्स को हम लोग इसलिए अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पर इतने सारे ब्लॉटवेयर्स देने की क्या ज़रूरत है, हर अपडेट्स में हमें कुछ ना कुछ ब्लॉटवेयर्स देखने को मिल जाता है। मी मैसेज की सपोर्ट तो देखने को मिलता है पर डायलर की सपोर्ट नहीं मिलता है और ब्लॉटवेयर को डालते रहते हैं। वाह दोस्तों, बीटा अपडेट होने की वजह से इसे आप लोग अगर अपडेट से फ्लैश करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, तो इसे फ्लैश करने के लिए आप लोगों को कस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कस्टम करने बूट करने के बाद आप लोगों को सिंपली रोम को फ्लैश कर देना है, और रोम को फ्लैश करने के बाद आप लोगों को फर्मवेयर हटा करके अपने फ़ोन को रिबूट कर देना है, पर इस केस में आपके सभी इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप लोग सभी इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप जरूर से बना लें। तो बीटा होने की वजह से आप लोग मैनुअली फ्लैश नहीं कर सकते हैं, पर रीनेम ट्रिक की वजह से आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग गाइड अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर वीडियो कमेंट में डाल दूंगा, वो चेकआउट कर लेना।
ये आप लोग एक हफ्ते का वेट कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए।